हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं रोटी से बनने वाली एक इजी, सिंपल और हेल्दी एक ब्रेकफास्ट आपको बताऊंगी, जो जल्दी भी बन जाए और पेट भी भर जाए। जो आपके पास टाइम कम हो और आपको कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो मेरा पास किचन सेटअप उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग को पता है, जो मेरे नए हो उनको नहीं पता है, जो देखते हो मुझको रेगुलर उनको पता है। तो जैसा है मैं उसी में आप सबको दिखाने की ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजेस कट करके रखा है, और मैं यहाँ पे 3 रोटी बेल के रखी हूँ क्योंकि मुझे 3 बनाना है और अंडा 3 ली हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट नॉन वेजिटेरियन के लिए ही है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए नहीं होगा क्योंकि इसमें अंडा चाहिए। तो ये काइंड ऑफ एग रोल काइंड ऑफ होगा, बट ये प्रॉपर एग रोल नहीं है। जैसा एग रोल होता है ना, तो पतला रोटी बनाना पड़ता है, उस टाइप का नहीं है। आप यहाँ पे घर में बनाने लायक, खास आप जैसे खा सकते हो उस टाइप की आपको रोटी बनाना है। तो मेरा पास टाइम कम था और मुझे कुछ अच्छा खाने का मन था, इसीलिए मैं रोटी से ही एग रोल बना रही हूँ। तो मैं कैसे बना रही हूँ वो देख लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ रोटी को बेल लेना है। उसके बाद अभी यहाँ पे मैंने ऑमलेट अंडा को जो है थोड़ा सा नमक दे के यहाँ पे तवा पे दे दी हूँ। तो अगर आप कभी एग रोल बनाने देखे हैं ना, तो सेम प्रोसेस है, बट ये प्रॉपर एग रोल नहीं है। ये आप बोल सकते हो घर का बना हुआ एग रोल, आप जो भी नाम आप दे सकते हो, बट ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी जल्दी बन भी जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। और हाँ, थोड़ा बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं जा रहा है आपको, इसमें आप अंडा भी मिल जा रहा है, अंडा में प्रोटीन रहता है। आप ढेर सारा भेजिस दूँगी इसमें, तो भेजिस में भी तो अच्छा खासा गुण होता ही है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 बना के रखी हूँ, तो मैं एक बना के अच्छे से दिखा देती हूँ, बाद में मैं आस्ते आस्ते 3ों बना के मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे सारा वेजेस को मैंने दे दिया है, तो आप यहाँ पे चिली ऐड कर सकते हो। मैंने चिली नहीं दिया क्योंकि हस्बैंड को चिली पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके पास सॉस हो तो आप सॉस दे सकते हो। हाँ, अगर आप ये बनाओगे ना, तो सॉस डेफिनेटली आपको देना है, सॉस के बिना ये अच्छा नहीं होगा। आपके पास अगर कोकुम्बर ना हो तो भी चलेगा, आप ऑनियन और टमाटर से भी बना सकते हो, बस सॉस इज़ नेसेसरी, सॉस चाहिए। तो यहाँ पे 1 बन के रेडी है, और ये जला नहीं है, ये थोड़ा सा लाल हुआ है इसलिए मोबाइल में यहाँ पे कैप्चर हुआ है, तो लग रहा है ये जल गया, बट ये नहीं जला है, ये थोड़ा सा लाल हो गया है। तो सेम प्रोसेस में मैं दूसरा भी बना लूँगी। तो सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने पहले बनाया वैसे ही है सेम। तो ऐसे करके मैंने 3ों जो है अच्छे से बना लिया है। तो देखिए बहुत अच्छे से बन गया, और मैंने मोटा मोटा बनाया क्योंकि एक खा के आपका सुबह का जो ब्रेकफास्ट का जो भूख रहता है वो मिट जाए, इसीलिए क्योंकि मुझे 2-3 बनाने का टाइम नहीं है एक एक पर्सन के लिए, इसलिए मैंने एक ही बनाया, बट मोटा करके बनाया ताकि सबका भूख थोड़ा सा मिट जाए। और देखने में भी जितना अच्छा लग रहा था, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोग को लग रहा है कि मैं बकवास कर रही हूँ, तो आप ज़रूर एक बार घर में बना के देखिए। मैं आप सबको दावा करती हूँ कि आप मुझे गाली नहीं देंगे, आप खुशी खुशी खा लेंगे। तो चलिए, मैं ये है एक प्लेट मैंने डेकोरेट करके आप लोग को दिखाई हूँ, और आप लोगों को तो पता है मेरा प्लेट कैसा होता है। और इसमें आप थोड़ा सा सॉस ले लीजिए, अगर आप चाहे तो आप थोड़ा सा कच्चा प्याज भी ले सकते हैं, थोड़ा चिली भी ले सकते हैं, जो जिससे आपका मन अच्छा खाने का दिल हो आप उससे खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाय ली हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट में तो थोड़ा सा होने से भी चाय चाहिए। तो मैं अभी चाय को अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। सुबह तो मैं ग्रीन टी लेती हूँ, उसके बाद मैं दो ब्रेकफास्ट का टाइम में मुझे थोड़ा सा होने से भी चाय चाहिए, चाय के बिना मेरा सुबह अच्छा नहीं होता है। कौन था? दाओ हम कौन था नहीं सो ये दाओ ये दाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह से आप देख ही लिया कि ब्रेकफास्ट में आज जो बनाई, थोड़ा सा डिफरेंट ब्रेकफास्ट है, थोड़ा इजी है, थोड़ा सिंपल है, थोड़ा पेट भरने वाला ब्रेकफास्ट है। तो अगर आपके पास कुछ ऑप्शन ना हो, तो आप अगर रोटी बनाना चाहते हो, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ये ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं घर में।
सो गाइस, दार्जिलिंग में जो है फुल मानसून लग गया है अभी। बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश हो ही जा रहा है। तो एक झलक मैं आप सबको दिखाई और दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना गाइस। कंटिन्यू आई थिंक कितना दिन से हो रहा है मुझे हिसाब ही नहीं है, 10-12 दिन तो हो ही गया कंटिन्यू हो रहा है, और घाम तो उठने का कोई नाम ही नहीं है। और ऊपर से मेरा खुशी है, ऊपर से इतना सारा कपड़ा धो के रखी हूँ, कुछ सूखने का तो नाम हो ही नहीं रहा है। सो कोई बात नहीं, तो ये सब मैं बेड उड सब कुछ मिलाना हो गया, और मैं अभी जाऊँगी किचन में। किचन में थोड़ा सा कुकिंग करना है, दोपहर के लिए लंच बनाना है। तो चलिए चलती है, बाहर का जो मानसून है वो भी मैं दिखाती हूँ आप सबको। और बाहर देखिए आप, दार्जिलिंग का बारिश देखिए, कंटिन्यू बारिश हो ही जा रहा है। कोई हिसाब नहीं है कब से हो रहा है, बस बारिश पे बारिश हो रहा है। और ये जो मेन डोर है इसे मैं बंद करके रखी हूँ, क्योंकि जो फॉग है ना अंदर आ जाता है पूरा, और देख पा रहे इधर भी पूरा फॉगी है, बहुत ज़्यादा बारिश। और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बारिश में ना कुछ कुछ करने का मन भी नहीं होता है, कुछ ध्यान ही नहीं जाता है। बारिश अच्छा लगता है, बट कंटिन्यू इतना बारिश मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए रोड में पानी कैसे जा रहा है, देखिए कंटिन्यू बारिश पे बारिश हो रहा है, और ये बारिश कब छूटेगा कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ पे राइस बन रहा है, और यहाँ पे मेरा दाल बन गया है, तो बस उसे छौंका लगाना बाकी है। और खुशी के पापा गए हैं चिकन लाने, तो आज बनाऊंगी चिकन, और ये सब बर्तन सब है जो थोड़ी देर में भाभी धो देंगे इसे। और चलिए बाहर का जो है, और पहाड़ में ना इस बारिश होने से ना पहाड़ में ऐसा कंटिन्यू अगर बारिश होना तो लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो बहुत जगह में लैंडस्लाइड अभी हो गया है। हम जहाँ पे हैं यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है, बट इतना ज़्यादा बारिश होने से ना बहुत ज़्यादा डर होता है। और यहाँ पे मैं उस दिन कपड़ा दे के रखी था आप सबको दिखाई थी, वो सब सारा यहाँ पे है, एक भी कपड़ा नहीं सूखा है अभी भी। दार्जिलिंग की बारिश।
मेरा लंच इज़ रेडी। तो आज लंच में बनाया आप लोग तो देख ही लिया। सो कुछ नहीं, बस दाल बनाई हूँ और है चिकन करी विथ पोटैटो। तो हम बंगाली लोग का क्या होता है ना, चिकन में अगर आलू ना हो ना तो चिकन का स्वाद ही नहीं लगता है, चिकन का कुछ मज़ा ही नहीं हो। और ये है राइस। सो अगर आप लोग कभी पोटैटो से नहीं खाए हैं ना चिकन, तो एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं 1.5-2 घंटा बाद फिर आई हूँ। अभी मैं ये है मेरा लंच का प्लेट। तो सबका लंच हो गया, सब मैं बची हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं मेरा लंच को पहले इंजॉय कर लेती हूँ, खा लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आप सबसे बातें करती हूँ। और मैं यहाँ पर मोबाइल में सीरियल देख रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, इसीलिए मैं खाते खाते सीरियल भी देख लूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो बहुत देर बाद मैं फिर आप सबसे बात कर रही हूँ। सो आपने देखा जब मैं लंच कर रही थी, तो लंच करते करते मैं सीरियल देख रही थी मोबाइल में, नीमा देनजोंगपा जो न्यू सीरियल आया है कलर्स पे, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो सीरियल। एक्चुअली अच्छा लगता है क्योंकि सिक्किम का है, कहानी थोड़ा सा सिक्किम का भी है, तो सिक्किम तो मेरे यहाँ से बाजू में ही है ना, तो अच्छा लगता है, इसलिए हिल एरिया का है ना इसलिए। तो और जो एक्ट्रेस है वो भी न्यू फेस है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो छोड़िए वो बात। तो मैं 2 दिन का पार्ट नहीं देखी थी, तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा वो सीरियल ख़त्म की, अभी ख़त्म हो गया। और खुशी अभी तक सो रही है, तो मैं नहाने का टाइम बहुत सारा कपड़ा धो के रखी हूँ, तो उसको मैं अभी जाऊँगी ऊपर दे दूँगी टेरिस पे। तो बारिश जो है अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, और यहाँ का जो व्यू है बहुत अच्छा सा व्यू दिखाई दे रहा है अभी। तो मैं वही आके देख रही थी कि बारिश रुका है कि नहीं, तो नहीं बारिश तो अभी रुक गया, बट क्या बोले, फॉगी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, ये दार्जिलिंग का बारिश का क्या कहे, अगर ये शुरू होगा ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हमेशा बारिश होते रहता है, सिर्फ ये तो मानसून का बारिश है, सिर्फ विंटर का टाइम में थोड़ा सा बारिश नहीं होता। फिर भी विंटर में अगर बारिश हो गया तो यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अच्छा सा होता है। तो पहले तो मैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ पहले ही है, बट मैं वीडियो डालना मेरा शायद 1 साल जैसा हो रहा है, तो पिछले बार तो मैं यहाँ पे नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई हूँ। अगर ये बार रहूँगी स्नोफॉल के टाइम, तो ज़रूर मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और गाइस, ये वाला व्लॉग को ना मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, तो अगर मैं अच्छी लगती हूँ, मेरा व्लॉग आप सबको अच्छा लगता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ बुरा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट में बताइए। और खुशी का हेल्थ का अपडेट मैं दे देती हूँ, वो थोड़ा सा अभी पहले से बेटर है, पूरा पूरी ठीक नहीं हुआ है, बट बहुत अच्छा, मतलब पहले से थोड़ा बेटर है। सो गाइज,
इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। एंड करते करते आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, और जल्दी मिलती हूँ मेरे दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सो बारिश रुकने का बाद अभी देखिए यहाँ का जो जो विंडो से जो व्यू दिख रहा है वो देखिए। ये जो आप वाइट देख रहे हैं ना, ये ना एक्चुअली मेघ होता है ना, वो है ये, पता है ये जो बीच में है बहुत गड्ढा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे देख के लग रहा है इसको समुंदर जैसा दिख रहा है। देखिए आप जब फ्लाइट में कभी जाते हो ना, तो फ्लाइट में जाने का टाइम में मेघ का अंदर से आप जब प्लेन जाता है ठीक उस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे लग रहा है मैं भी फ्लाइट में ही बैठी हूँ अभी तो, हालांकि मैं तो कभी फ्लाइट में गई नहीं हूँ बट वीडियो में तो देखी हूँ ना, तो ऐसा मेघ का अंदर में फ्लाइट जाते रहता है, तो मुझे भी लग रहा है क्या मैं भी फ्लाइट में हूँ अभी। तो आप खुद ही देख लीजिए, मुझे बोलने का कुछ ज़रूरत है ही नहीं, आप देख लीजिए ब्यूटीफुल। सो गाइज मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, और जल्दी मिलते हुए मेरे दूसरे ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय।